नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज विश्व पृथ्वी दिवस है और इस अवसर पर हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने अपने प्रयास के चलते एक नजीर पेश किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 2 वर्ष पहले 5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाने का सपना संजोया था, पर आज हालत यह है कि बहुत सी जगह पौधे ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं कहीं कुछ निशानियां ही शेष है। लेकिन ऐसे दौर में गोटे गांव के एक छोटे से पहाड़ी खेड़ा गांव में वन विभाग के एक अधिकारी ने वो कर दिखाया जो आज इस दौर में किसी मिसाल से कम नहीं। पहाड़ी खेड़ा के डिप्टी रेंजर रविशंकर सोनी ने पिछले साल इस इलाके में करीब 800 पौधे लगाए और उन्हें बखूबी संजोया। खास बात यह रही कि इन पौधों को रविशंकर ने अपने बच्चों की तरह पाला पोसा और आज हालात यह है कि 800 के 800 पौधे आज भी जीवित है और स्वच्छ अवस्था में है। रविशंकर का कहना है कि उनका इस साल रिटायरमेंट था, जिसके चलते उन्होंने नौकरी के अपने अंतिम दौर में यह सार्थक प्रयास किया। कहोगे सर? मैं सेवा इनको बच्चों जैसी करता हूँ। समय समय पे श्रीमान जी बोलते हैं कि सूख रहा झाड़ इसमें पानी दो, गोबर खाद डालते हैं, कीटनाशक समय समय पे, जब कुछ भी लग जाते हैं रोग या कछु भी ककरुए टाइप का लग जाता है तो उसमें फिर कीटनाशक का छिड़काव करते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब हर समय उसकी देखभाल शाम सुबह बच्चों जैसी। मिट्टी बदलते हैं, उसको काली मिट्टी लाते हैं क्योंकि हल्की जमीन है सर। कुछ पौधों में फल भी आ रहे हैं? हाँ, फल भी आ रहे हैं सर। बिही में आ रहे हैं, अनार में आ रहे हैं, अंड पपीता में आ रहे हैं, मुनगा फूल रहो है। क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमार डहरिया। क्या करते हो आप यहाँ पे? यहाँ पे चौकीदारी करता हूँ सर। क्या कहेंगे? मेहनत तो बहुत है लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से आजू बाजू से पानी मिल जाता है, तो उस कारण से डिप्टी साहब के मतलब जो मुख्य भूमिका वो निभाई है उन्होंने वृक्षारोपण में इसी सफलता में, तो उनके सहयोग से वृक्षारोपण अच्छा है। कितने पौधे लगे हुए हैं इसमें? 800 पौधे लगे हुए थे जी। और इस वर्ष 1200 पौधे लगे हैं, जिसमें से दोनों जगह 800 और 1200 मतलब टोटल 2000 पौधे जिंदा हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह तोमर, वन रक्षक है। कहाँ बीट है? मेरी बीट खुर्सी पार है और यहाँ पे मैं डबल प्रभार में। पौधे लगे हैं यहाँ 2 जुलाई 2017 में वृक्षारोपण कराने के लिए टारगेट मिला था, जिसमें हमको 800 पौधे दिए गए थे, जिसमें आम है, जामुन है, नींबू है, बहेड़ा है और आंवला है, जाम है, अन्य फलदार पौधे लगाए गए थे। 800 पौधे में आज की तारीख में 800 पौधे जिंदा है। कितना कठिन है? इतनी यहाँ पर गर्मी पड़ती है, यहाँ बहुत ज़्यादा कठिन है पौधों को जीवित रखना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इधर उधर से पानी की व्यवस्था कर सिंचाई की जा रही है, इधर लाइट नहीं रहती, पूरी रात जाग के सिंचाई करते हैं, एक एक पौधा के पास जाके देखना पड़ता है, समय समय पर खाद और कीटनाशक का छिड़काव भी कराया जाता है, बहुत मुश्किल बचा के रखा है। कैसे प्रेरणा मिली आपको ऐसे की कि पौधे को, क्योंकि तो पौधे तो सभी लगाते हैं, बस लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गोटेगांव।